आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की जो धर्म की महती प्रभावना की है, ऐसे संस्कार प्रणेता कान ज्ञान उपयोगी मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज की मुझे आदेश हुआ कि जो मूक माटी भारतीय जैन मिलन की एक ऐसी इकाई जिसका नाम गत वर्ष जब पूरा देश संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संयम स्वर्ण महोत्सव मना रहा था, उस समय इस संस्था को भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री नरेश जी ने इसी प्रांगण से इस संस्था का नाम दिया। आप सभी लोग जानते हैं पिछले वर्ष आचार्य श्री के जीवन के आधारित एक भव्य नाटिका का मंचन इसी जैन भवन के प्रांगण में हुआ। आप सभी ने देखा कि उनकी जो संस्था है
जिसकी अध्यक्षा वीरा संगीता जैन, मंत्री सुनैना जैन, कोषाध्यक्ष वीरा सरिता जैन एवं संयोजिका वीरा पूनम जैन जी हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष जो नाटिका यहाँ हुई, मैं समझता हूँ इतनी सुंदर नाटिका आचार्य श्री के ऊपर, जीवन के ऊपर आधारित उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की। जिन लोगों ने भी वो नाटिका देखी होगी, वो आज भी उनके मानस पटल पर उसकी स्मृतियाँ स्वर्ण अक्षरों में अंकित होंगी, मेरा ऐसा मानना है। ऐसी निर्देशिका और इस संस्था के लिए मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से उन सभी का हम लोग यहाँ अभिनंदन और स्वागत करेंगे। तालियों में कुछ कंजूसी हो रही है, ये आपकी अपनी संस्था है, हमारा ये दायित्व बनता है कि जो अपनी शहर की संस्थाएं हैं, जो शहर की समितियां यहाँ आपके सम्मुख रात दिन मेहनत करके कार्यक्रम देती हैं, उनका उत्साहवर्धन अच्छे से होना चाहिए। कल भी आपने देखा कि मित्रमंडल के द्वारा यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उसके पूर्व भी यहाँ पर अनेक संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम हुए और अब उनको आमंत्रित करता हूँ मुखपाटी के सभी को कि वो आए और यहाँ पर अपना मंगलाचरण से
ऐसे व्यक्तित्व को, एक ऐसे शख्स को आमंत्रित कर रही हूँ जो वर्षा योग स्थापना से लगातार अपना अमूल्य सहयोग देकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं एवं पर्युषण पर्व पर सायकालीन बेला में अपनी ज्ञान की गंगा का प्रभाव कर सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री संदीप जैन जी शास्त्री जी आए। दोनों मंच पर आए और हमारा सम्मान ग्रहण करें। पल्ली भाई, पल्ली जी, मैं सम्मान के अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह कि उन्हें पट्टा बनाकर वो सम्मान करें। जया भी असुर पार्श्वनाथ के बुलाए पार्श्व प्रभु।
अच्छा रवीना, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अच्छा रवीना। दादी माँ, इस बार पूरे तालुके में फसल बहुत अच्छी हुई है, खेतों में सोना उगला ही सोना। अच्छा, जैसी हरी इच्छा, खुश रहो। चले मुनीम जी। अरे बेटा सुनो जी, इस साल जाना शुरू होने से पहले गरीबों को बांटने वाले कंबल मंगवा देना, समझा क्या? दादी माँ, अपनी हवेली से भला कभी कोई खाली लौटा है क्या? क्यों मुनीम जी? चले चलिए सरकार, चलिए। अरे आपकी पगड़ी तो लेते जाइए। कैसे हो केशव काका? राम राम छोटे मुझे। बैठे रहो, बैठे रहो। राम राम, बहुत उदास उदास दिख रहे हो, क्या बात है? मालिक, तुलसा बिटिया के लगन पक्की हुई गवाह। अच्छा, आप तो जानत हैं, वो जो सबसे छोट है ना, वो ही का संबंध बैठन के सेठ विठल के यहाँ की है। अच्छा, सेठ जी पिछले बरस मेला में देखे रहे बिटिया के। मालिक, उनका जो तीसरे नंबर का लड़का दामोदर है ना, वही के साथ बहुत सुंदर लड़का है। वाले दोनों की जोड़ी राम सिया की जोड़ी है माले। हमरे तो भाग खुल गए माले, हमरे तो भाग खुल गए माले। पर ये बखत हम बहुत दुविधा में पड़ गए हैं माले। ये तो खुशी की बात है, फिर इतनी चिंता का है कि? सचमुच तुलसा बिटिया तो बहुत भाग्यवान है। मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छा घरवर मिल गया है, पर इसमें इतना भूल करने वाली क्या बात है? अरे मालिक, मोर पारिज का रहस्य तो आपसे छुपी नहीं है। आप तो खुद ही जानते हैं कि फसल लावे मावे देर है और मुहूर्त सर पे बैठा है। कैसे करूं इंतजाम, कछु कछु समझ में नहीं आया रहा मालिक कि का करूं का ना करूं। अरे काका, बरसों आपने हमारे परिवार की सेवा की है, क्या मैं भूल जाऊं उस दिन को जब मेरी जान बचाने आप उस जंगली भिड़िए से भिड़ गए थे और अपनी टांग गंवा दी थी? मैंने ही दिलचित की थी ना जंगल जाने की। हाँ मालिक, कितना रोका रहते हैं बड़े शरारती भी तो रही आप बचपन में, पर वो वक्त कहाँ रहा, सब कुछ बदल गया। ना ना, कुछ नहीं बदला काका, कुछ भी नहीं बदला। आज भी संपत्ति वैसा ही है जैसा तुम्हारी गोद में खेलता था। तुलसा की शादी धूमधाम से होगी और तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा चलता हूँ, चलो मुनीम जी। अरे अब ये मुनीम जी कहाँ गए? अरे मालिक, वो तो रह गए। अरे मुनीम जी, ओ मुनीम जी। जी मालिक, आया सरकार, आया। कहाँ चले गए थे मुनीम जी? चलिए मालिक। गौरी है ना गौरी, आजकल बहुत नखरे बताने लगी है, बहुत दिन
सबसे ज्यादा गौरी को ही चाहता है, इसी का ही तो दूध पसंद करता है। अरे पगले, इसको खिला पिला, कहीं भूखी तो नहीं है? अरे माए, डाली तो खी रही नहीं घास, हैं? खा भी रही है। देखो 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 कैसे चबर चबर खा रही है, हैं? हाँ, पता नहीं क्या हो गया तुझे, हैं? क्या रे? अरे अरे बच, कहीं लगी तो नहीं? क्या हो गया रे गौरी? Thank you.
क्या हुआ दादी? पानी निकल अच्छी? हाँ लाइट। जल्दी ना, पंखा कहाँ? हाँ जल्दी देखी हूँ। दादी, दादी क्या हुआ दादी? दादी, दादी, दादी क्या हुआ? दादी, दादी, दादी क्या हुआ? दादी क्या हुआ? दादी, दादी, उठो दादी। क्या बात है? क्यों घबरा रही है? कोई बुरा सपना देखा क्या? क्या हुआ दादी? हाँ, बुरा सपना। हाँ, पानी के लिए ना, अपनी बॉडी है ना बॉडी? हाँ वहाँ दूध जलाती है। अरे कोई कह रहा है मुझसे? क्या? मुझे निकालो इस टीले से। मैं हूँ मुझे निकालो। क्या महंगी महंगी बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी लक्ष्मी का पुरानी टेकरी है ना, पुरानी टेकरी में वहाँ तुझे रोशनी दिख रही है ना, जुगनू है दादी। घबरा नहीं दादी, बैठ जाए बैठ जाए। कैसी आकाशवाणी? पुरानी टेकरी है ना, आकाशवाणी। कैसी आकाशवाणी? मैं हूँ अंदर, कोई कह रहा है, मुझे निकालो। कुछ नहीं दादी, मत परेशान हो। अच्छा अच्छा दादी, चल सो जा। कल मैं सुबह गांव के लोग बोले जाकर उस टीले की खुदाई कराऊंगा, तू भी साथ में चलना, चला के सो जा। अभी सो जा। चार कोस का एक कच्चा रास्ता है जो सीधा कचनेर को जाएगा।
ठीक है भैया, आराम से जाना है, ठीक है भैया, आराम से आओ भैया, अंकल आराम से देख के बेटा है, आराम से बेटा। कितनी रात हो गई पर बेटा हम बाबा के दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। चिंतामणि बाबा की मूर्ति लगती है, जय हो चिंतामणि बाबा, जय हो, जय हो। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, हे चिंतामणि भगवान, मेरे गूंगे बच्चे पर कृपा बरसा दे बाबा, कृपा बरसा दे। भगवान की मूर्ति लगती है, हे भगवान, क्या क्या यहां कोई नहीं जानता ऐसी सुंदर प्रतिमा इस हाल में। हे प्रभु, जय हो, जय हो पारसनाथ। अरे अरे हे भाई सुनो, जय घर आओ। आपको पता है कि तीर्थंकर प्रतिमा है, इसे ऐसे नहीं रखते, आपको पता है। बड़ा आश्चर्य, कितनी अतिशय युक्त प्रतिमा, श्वेत धवल पाषाण, कितनी कितनी मनोहारी लगती है। अरे लगता है जैसे कि अभी मोड़ पड़ेगी। यहां तो साफ सफाई रखने वाला भी कोई नहीं। हे नाथ, ना आसन ना छप्पर। ए भाई सुनो सुनो, इस गांव के मुखिया कहाँ रहते हैं? हाँ वो वहां पे। चल बेटा चल, चल बेटा चल, बेटा चल चल। कुआं में जो खुदाई का खर्चा ये और ये नीचे और उसका हिसाब कहाँ है? मुखिया जी, जय जी ने आइए अतिथि, विराजिए। कहिए कैसे आना हुआ, कहीं दूर देश के जान पड़ते हैं। आप जानते हैं मुखिया जी ये किस देव की प्रतिमा है? हाँ हाँ, ये हमारे चिंतामणि बाबा हैं, हमारे कुल देवता, हमारे ग्राम के रक्षक, जिनके कारण गांव में खुशहाली छाई हुई है। जिनके कारण गांव में खुशहाली की छाव, उनके ही सर पे छप्पर नहीं, अरे जिनके कारण सारा गांव रोशन, वो बाबा खुद अंधेरे में हैं। जिन्होंने सारे जग को जीवन दिया, उनके लिए साफ सुथरी जगह भी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? हम बाबा की परंपरा से पूजा अर्चन कर रहे हैं, आपका साहस कैसे हुआ ये सब कहने का? कौन है आप? ये हमारे देश के तीर्थंकर भगवान पारसनाथ की जिन प्रतिमा है। अच्छा, जिन्हें आप चिंतामणि बाबा कहते हैं। क्या कह रहे हो? मैं आपसे करवत विनती करता हूँ। रास्ते में जो पिंपरी गांव मुझे मिला था, वहाँ जैन मंदिर भी है। अच्छा। और जैन बंधुओं की बस्ती भी है। प्रतिमा का पूजन अर्चन जैन विधि विधान से हो, इसके लिए आपको ये जिन प्रतिमा उन्हें सौंप देनी चाहिए। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। सांस छीन लोगे तो हम सब मर जाएंगे, न पक्षी गीत गाएंगे, सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है बाबा के बिना। कितना ध्यान रखते हैं बाबा हमारा, जब हमने बाबा का ध्यान नहीं रखा। पर हमसे हमारे बाबा दूर मत करो, मत करो दूर हमारे बाबा। कार्तिक पूर्णिमा के पहले बाबा का मंदिर बनेगा और समस्त जैन बंधु उसमें अपनी तरह से बाबा की भक्ति करें, पूजन अर्चन करें। पर हमसे हमारे बाबा दूर मत कर। भूल पड़ा मेरा बच्चा, भूल पड़ा। जय हो चिंतामणि बाबा की। मुखिया जी, मुखिया जी आपने सुना, इसी गूंगे बच्चे को लाया था बाबा की दहरी पर। धन्य है गजनेर गांव, धन्य है बाबा। मुखिया जी मेरी आपसे
भक्त याचना है। बाबा का स्वर्ण छत मेरे ही हाथों मंदिर में चढ़ेगा। मेरी 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 आपसे बारंबार विनती है, बारंबार विनती है मुखिया जी, बारंबार। आपने तो हमारी आंखें खोल दी, हमें देना नहीं। बाबा का स्वर्ण छत आपके ही मुझे।
मैं तो कहता हूँ लाजो एक दिन रुको, पूर्ण शुद्धि के उपरांत ही जिन्हें आराधना करना चाहिए। अब तुम मुझे शिक्षा दोगे, मैं भला बुरा सब जानती हूँ। हम मंदिर जाएंगे तो जाएंगे, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब चले। चिंतामणि बाबा की मूर्ति का खंडित हो जाना और उस महिला की आंखों की रोशनी चली जाने के कारण पूरा गांव मातम में छा जाता है। गांववासी परेशान हो जाते हैं और इसी विषय पर बात करने के लिए गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई है। तो आइए देखते हैं पंचायत में क्या निर्णय लिया जाता। जैन बंधुओं से चर्चा करके मैंने यह निर्णय लिया कि प्रतिमा के दोनों हिस्सों को भक्ति जल में सिखा देना चाहिए। अब सबूत तो हो गई है, इसका प्रायश्चित कैसे हो इस पर विचार करना। मुखिया जी, मेरे विचार में एक नई मूर्ति लाकर स्थापित कर देनी चाहिए। हाँ, यह विचार उत्तम रहेगा, पर किसी तरह का कैसे होगा। आपके यहाँ कोई फोटो में चूल्हा भी नहीं, क्या लोगों को यह बात मंजूर होगी कि चिंतामणि भगवान की जगह कोई और प्रतिमा हो। पर तू ही बचाओ, अब हम इसके अलावा कर ही क्या सकते। दूसरी मूर्ति आ जाएगी तो लोगों का दुख धीरे धीरे कम होता जाएगा। मुझे तो यह विचार उत्तम लगता है। मुखिया जी, जिंदू ग्राम में एक कुशल शिल्पकार रहता है और वही सबसे नजदीक भी है, इसलिए प्रतिमा वहां से लानी चाहिए। मुखिया जी, गलती मुझसे, इसलिए प्रश्चित नहीं करूँ, मैं स्वयं वहां से नई प्रतिमा लाकर मंदिर जी में स्थापित करूँगा। क्या कहा पूर्णिया, जिंदूर से आई भगवान महावीर की प्रतिमा मंदिर की सीढ़ियों में ही स्थिर हो गई है। हाँ राघवा, बड़े आश्चर्य की बात है, कितने सारे लोग उठा रहे थे पर मूर्ति टस से मस नहीं हुई। अब मुखिया जी क्या कर रहे हैं। वो पिपरी गांव के सिर लच्छी राम जी आए हैं, उन्हीं के साथ में बात कर रहे हैं। पर अब हम सबको आखिरकार करना क्या होगा। लो मंदिर आ गया, चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। चलो, क्या करना है। क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा सेठ लच्छी राम जी, नई प्रतिमा मंदिर जी में आने तैयार नहीं, पुरानी प्रतिमा कोई हटाने तैयार नहीं, मैं तो पागल हो जाऊंगा। हे भगवान, रास्ता दिखाओ प्रभु। मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ। हमारे पिंपरी गांव के समस्त जैन और अजैन बंधु शोभा कुल है इस घटना से, पर आज रात एक विचित्र सपना आने से मुझे कुछ आस बढ़ी है। कैसी आशा से जी, कृपया दर्शन। मैंने देववाणी सुनी है जिसमें मैंने सुना, अगर मूर्ति को 7 दिन तक घी शक्कर के घोल में गड्ढे में दबा कर रखा जाए और भक्तों में सच्ची श्रद्धा और आस्था चिंतामणि बाबा के प्रति है तो मूर्ति सवेरे को जुड़ जाएगी। मैं हर बात मानने तैयार हूँ, मुझे ये उपाय करने में क्या हर्ज है। मैं अभी पुजारी जी से इस कार्य को क्रियान्वित कराया। ध्यान रहे, गड्ढा मंदिर के प्रांगण में ही होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। Ah.
अर्पित ड्रग्स की तरफ से भी 500 रुपये, आप सभी जल्दी वालों की ओर से भी 500 रुपये, आपका भी सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, 500 रुपये सुधीर जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, 1100 रुपये श्री लोकेश जैन रेस्टो वालों की ओर से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। मैं आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।